पूरा ताजमहल की कॉपी है भाई। फ्रेंड ये ट्रिप हमारा रहेगा जियो अद्वारा की है। तो इतना मैं इतनी चोर बजाई तो मैंने कहीं नहीं देखी भैया। यहाँ पे पूरे पेपर चेक हुए हैं, आप देख लीजिए ये है बीहड़ लग रही है। किस तरह से ट्रक खड़े हैं, ट्रक ही ट्रक वो क्रोकोडाइल है क्या? जब भी हम सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग आपको दिखते हैं तो आपको पता ही है कि हम कहीं ना कहीं जाने की उड़ने की तैयारी करते हैं। सच कहा फ्रेंड्स, हमने उड़ने की तैयारी कर ली है। ये गाड़ी में हमने सामान भर लिया है पूरा, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी हमने पैक कर दी है। अभी हम चलते हैं किसी लंबे से ट्रिप पे और आपको इंजॉय कराते हैं। फ्रेंड ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, ये मार्च का महीना है, अलग अलग क्लाउड्स जमीन पे आ गए हैं और सारे ट्री देखो से निकले हुए हैं। हम केएमपी पे इस वक्त और बहुत लंबा हमने ट्रिप की का प्लान किया हुआ है। पूरा ताजमहल की कॉपी है भाई। मथुरा है ये, मथुरा क्रॉस कर रहे हैं, आगरा की तरफ जा रहे हैं। अभी तक रास्ता सही मिला है गुड़गांव से लेके, ये ऐसा ही रास्ता है, एक्सप्रेसवे नहीं है, बट आपकी 80 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। रोड ठीक है, ऐसा ही है, कोई ट्रैफिक नहीं मिला है, टोल टैक्स अपने सही काम कर रहे हैं, स्पीड अपनी 70 चल, ट्रैफिक जैम बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी 2 घंटे 40 मिनट में हमने 155 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। अभी हमने आगरा को बाईपास कर दिया है, अभी हम धौलपुर और ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं। ये हाईवे आ गया है, अभी तक जो रास्ता है बिल्कुल साफ मिला है मुझे। 3 घंटे 10 मिनट में मैंने 189 किलोमीटर ड्राइव किया है, तो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर एवरेज है जो सही है। टोल टैक्स सारे ऑपरेशनल है, रश बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल मेरी गाड़ी जो मुझे माइलेज दिखा रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 21.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है, तो 18-19 भी मानता हूँ तो काफ़ी अच्छी है। आगरा से जो बाईपास है धौलपुर या ग्वालियर की तरफ, काफ़ी अच्छा है, मैंने तो क्रूज़ किया हुआ 85 पे, इसको काफ़ी ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड अब की बार हम जो हैं नॉर्मल हम घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक सिटी में जाते हैं, जैसे कि हिमाचल चले गए तो हिमाचल में एक्सप्लोर करते रहे, गुजरात गए तो गुजरात करते रहे, उत्तराखंड गए तो। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा से निकले हैं, यूपी से होते हुए हम एमपी भी क्रॉस करेंगे, एमपी के बाद हम हो सकता है कि तेलंगाना पहुँचे, तेलंगाना के आसपास हम महाराष्ट्र में भी एंट्री करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि नागपुर बीच में आता है। फिर हम बेंगलोर भी जाएंगे, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका मतलब है कि हम 5-6-7 स्टेट्स तो हम टच करेंगे क्योंकि ये फ्रेंड अभी आगे हम धौलपुर यानी कि राजस्थान में आने वाले हैं और फिर आएगा मुरैना और शायद बीहड़ भी पड़ेंगे, तो आज हम आपको बीहड़ भी दिखा देंगे। अभी तक रास्ता साफ मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, बिल्कुल ऐसे ही रोड है, देख लीजिए आप, क्रूज कर सकते हैं आप गाड़ी को। मुरैना भिंड आप सब जानते होंगे क्यों फेमस है, और कोशिश करेंगे कि बीहड़ में ही थोड़ी देर रुकें और आपको अपडेट करें कि बीहड़ों में क्या हाल है आजकल। बीहड़ के नाम से हम डर जाते हैं पर अब वो बीहड़ नहीं है, तो हमें घबराना नहीं है। कन्याकुमारी यहाँ से 2500 किलोमीटर लिखा है फ्रेंड, अगर आपने देखा हो अभी एक साइन बोर्ड आया था धौलपुर और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी 2500 किलोमीटर है, माई गॉड, यहाँ से डायरेक्ट। रोड ठीक मिला अब तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज भी अच्छी आ रही है। मैंने अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में डीजल सस्ता है, लेकिन राजस्थान अभी आएगा झांसी से पहले एक जगह पड़ती है आगे धौलपुर, धौलपुर राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान में भी डीजल महंगा है और एमपी में भी डीजल महंगा है, तो मैंने टॉप अप करा लिया है, आप भी आए तो। और फर्क 7-8 रुपए का है, यहाँ 86 रुपीज समथिंग था और वहां पे शायद 94 रुपीज है।
साइन बोर्ड आ गया फ्रेंड, ये शो कर रहा है आपको ग्वालियर 86 किलोमीटर है, गुना 292 और मुंबई यहाँ से 1189 किलोमीटर है। आप कहीं भी घूम लीजिए पूरी इंडिया में, लेकिन ये ट्रकों का जमावड़ा है। ये देखिए अब वो लेन है, ये कार वाले तो ऐसे तितर बितर देखो कैसे घूम रहे बेचारे, जैसे कि वो हाथी है, हाथी के छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रक ऐसे चलते रहते हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्या हिसाब किताब है, ट्रक ही ट्रक है, ट्रक ही ट्रक है। मैं कहता ना मुझे ट्रकों का नंगा नाच, तो फ्रेंड मेरा इंटेंशन ये होती है। अभी आप पता नहीं टोल टैक्स पे हैं, आई थिंक ये बॉर्डर है यूपी और राजस्थान का, तो फुल भीड़ है, फुल भीड़ की हुई है। मैं देखिए खड़े हैं ट्रक, उधर खड़े हैं पुलिस वाले भी खड़े हैं, कर लो भाई कर लो, क्या करोगे। लेकिन आप जब ऐसे आते हैं तो को मालूम पड़ जाता है यस आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप एमपी में हैं। बीहड़ है भी, मैं थोड़ी गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, अगर आपने भाइयों ने नहीं देखे बड़े बड़े बागी यहाँ हुए हैं। पान सिंह तोमर का नाम सुना हुआ आपने, फुल्लन देवी का नाम सुना हुआ, और भी बड़े बड़े डाकू मान सिंह भी हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी, वैसे रोकता हूँ 5 मिनट के लिए मैं, लेकिन बहुत ही रिस्की एरिया है ये। फ्रेंड हम आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं हम, ये हैं देख लीजिए आप बीहड़, सामने कोई फोर्ट भी है यहाँ, आपने देखा हुआ काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी होती है, और ये सारे बीहड़ है यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं, ज़्यादा रुकते नहीं हैं, सुना है ये 2 दिन में रुक गया, सुना है कि यार ज़्यादा देर रुकना रिस्की है, वैसे भी ये बेल्ट थोड़ी सी ज़्यादा ही फेमस है। मैडम ने बुला लिया मुझे ऐसे इशारा करके, तो जाना पड़ेगा। एरिया थोड़ा सा फोर्थ स्टेट हो गई, चौथी स्टेट हो चुकी है, और बहुत स्टेट में जाना है। कन्याकुमारी 2450 किलोमीटर है फ्रेंड यहाँ से। मुरैना अभी सिर्फ 19 किलोमीटर है फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन टिकट ट्रक्स। देखिए तो वो देखिए ऊपर आ गया है, मुरैना 19 किलोमीटर है, ग्वालियर 54 किलोमीटर है, इंदौर 545 किलोमीटर है। यहाँ पे पूरे पेपर चेक हुए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं मेरे, पॉल्यूशन भी चेक हुआ नई गाड़ी का, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे इसलिए मुझे बोलते जाने के लिए। मैं कहा भाई मैं तो गाड़ी रोकने डर के मारे चेक किए गए, उन्होंने हर गाड़ी को रोक रहे हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास पॉल्यूशन था, वरना ये मेरे को धर लेते यहाँ पे। तो आप भी आए तो अपना पॉल्यूशन वॉल्यूशन चेक करा के आए, कोविड वोविड की कोई रिपोर्ट चेक नहीं कर रहे, सिर्फ गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं पेपर्स। अब हम मुरैना यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, ग्वालियर यहाँ से 42 किलोमीटर आएगा, और झांसी 156 किलोमीटर है। हम ग्वालियर भी जाएंगे, झांसी भी जाएंगे, मुरैना 1 किलोमीटर है यहाँ से। आपने भिंड का भी नाम सुना होगा फ्रेंड, भिंड यहाँ से 100 किलोमीटर के दूर के आसपास है। मुरैना की शायद गज्जक काफ़ी फेमस है, हम खा नहीं रहे वैसे गज्जक वगैरह यहाँ पे, लेकिन आप आए तो गज्जक ट्राई कर सकते हो। भिंड मुरैना बहुत ही फेमस है, यहाँ का ट्रैफिक सेंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा है भाइयों, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से आएँ और ध्यान से अपनी गाड़ी चलाएं। फ्रेंड्स ये एक टोल टैक्स आ गया है, टोल टैक्स आ गया, रास्ता बड़ा गंदा था, अब ये देखते हैं। 70 रुपये का टैक्स है एमपी में, हम मुरैना के एकदम बाद पड़ता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं टैक्स अभी आगे के लिए लिया है कि पीछे के लिए लिया है। ये टैक्स पीछे के लिए आगे के लिए, मैडम टैक्स आगे के लिए पीछे के लिए, अब ये जो भाई वो क्या क्या ही करती रही, मैं कहा बैरियर ना गिर जाए मेरे ऊपर। मैंने पूछा था कि मैडम ये जो आपने जो टोल टैक्स मैंने यूज किया है उसके लिए 70 रुपये ले रहे हैं कि अब ये टोल रोड अब स्टार्ट होगा, क्योंकि रोड पीछे बहुत ही गंदा था, वो टोल टैक्स वाला रोड लग नहीं रहा था मेरे को। पर हो सकता है कि ये जो अभी 70 रुपये कटे मेरे, शायद ये अब रास्ता अच्छा होना चाहिए। मुंबई यहाँ से 1100 किलोमीटर के आसपास है, ग्वालियर 24 है, शिवपुरी 136, इंदौर 514।
अभी मुरैना को हमने कवर कर दिया है और वो जो टोल टैक्स था ना वो इस रास्ते के लिए था। फ्रेंड अगर यहाँ से अगर लेफ्ट करते हैं तो आप झांसी चले जाते हैं। झांसी पहुँचने वाले हैं, घड़ी में बजे हैं अभी 11, 5:30 ड्राइविंग स्टार्ट की थी, अब ये हमें झांसी की तरफ ही जाने को बोल रहा है। तो फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं झांसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए वो रास्ता हमने छोड़ दिया है, वो पुरानी छावनी था, हम जा रहे हैं झांसी की तरफ। शायद ये बाईपास होगा। रास्ते ठीक है, ज़्यादा अगर खुले नहीं है तो ज़्यादा भीड़े भी नहीं है, आप इजीली ड्राइव करके आ सकते हो। लेफ्ट हैंड में देखिए कितने सुंदर सुंदर खेत हैं। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं गर्मी थोड़ी है, गर्मी थोड़ी लगनी शुरू हो गई है। हमने अपनी जैकेटें वैकेटें सब पैक करके रख दी है। ट्रक होगा वही सीन है, ट्रक्स अपने उसी मोमेंटम में चल रहे हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड में देखिए कितना खुला खुला लग रहा देखने में, गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। देखिए मैं भी टी शर्ट में आ गया हूँ, उसमें आ गया हूँ। अब बहुत जल्दी मैं इसको भी रिमूव कर दूँगा और अभी ग्वालियर जाके कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे, खाएंगे, खाना हम घर से लाए हुए, तो चलो ग्वालियर चलते हैं ग्वालियर। अब जब भी इन सड़कों से गुजरे हैं स्पेशली इस एरिया में तो ध्यान रखना, रास्ते में ये गायें आ गई थी और एक गाय का पता नहीं शायद एक्सीडेंट हो रखा है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें ये रास्ते में। यहाँ से देखिए अब कहीं से भी कोई आदमी आ सकता है, बाइक वाले भी आ रहे हैं और कोई भी आपकी गायें वगैरह भी आ सकती है, तो आप यहाँ पे आराम से चलें, जैसे कि ओवर स्पीडिंग ना करें। झूठी आ रही है, झूठे लोग, झूठी दुनियादारी से। और अभी हम जो जा रहे हैं, अब जा रहे हैं झांसी की तरफ। झांसी अभी यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, हल्की हल्की सी ये पहाड़ियाँ हैं और मौसम पूरा गर्म है, 26 डिग्री के आसपास है। फ्रेंड यहाँ पे जो सड़क आप देखते हैं ना, ये सड़क थोड़ी पैची पैची सी है। देखिए आप तो यहाँ पे आपकी स्पीड स्लो ही रहती है, पूरी गाड़ी को रिपेयर कर दिया नहीं, ये जैसे कि रोड को यहाँ पे ना रिपेयर कर दिया गया है। ये सड़क बरसातों में टूटी होगी और फिलहाल इसको ये देखिए आप, तो गाड़ी आपकी हिलते बजते हुए चलती है, रिपेयर है ये रोड। हम ग्वालियर यहाँ से 10 किलोमीटर राइट हैंड पे हम जा रहे हैं झांसी की तरफ। और अभी हम आ चुके हैं फ्रेंड 346 किलोमीटर आ चुके हैं। आगे फिर एक टोल प्लाजा आ गया है, ये अभी 70 रुपये वाला दिया था। इस रोड के लिए टैक्स वसूलते हैं दतिया 69, डबरा झांसी 104 किलोमीटर। चलो टोल टैक्स पे करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। बैठेंगे और खाएंगे जो घर से खाना ले गए हैं। ये गुड़गांव टू कन्याकुमारी का जुगाड़ करेंगे हम, अगर भगवान ने चाहा तो आपको गुड़गांव से कन्याकुमारी का ट्रिप करके दिखाएंगे। ये है हमारी आलू की, मतलब आलू की सब्जी नहीं है, भुने हुए आलू हैं। तो फ्रेंड अभी खाते हैं, आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए। ये ट्रिप हमारा रहेगा गुड़गांव से कन्याकुमारी, कितनी गलियां, कितने कस्बे, कितनी स्टेट से हम गुजरेंगे, कितने मोहल्ले क्रॉस करेंगे, और आपको भगवान ने चाहा तो गुड़गांव से कन्याकुमारी का फुल टू एक्सपीरियंस देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे आप हमारे साथ नहीं घूम रहे, तो बने रहना। लेकिन अपना वादा मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना कौशिक ब्लॉग। महीना है, मुझे मालूम था कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक ही आप साउथ में अगर आपने ट्रेवल करना है तो यही परफेक्ट टाइम है, उसके बाद आप नहीं कर सकते, तो हमने कहा चलो। लेकिन आप बताना, ये कैंपिंग हमने छुट्टी जो की है टेबल पर से लगा के, आपको कैसा लगा? और भी सरप्राइज आपको मिलते रहेंगे, कोई गली, कोई शहर, कोई कस्बा नहीं छोड़ेंगे। वादा आपको ही पूरा करना, वादे पे मैं रहूंगा, कन्याकुमारी तक लेके जाऊंगा आपको। हर जो शहर रास्ते में पड़ेगा खूबसूरत, मुझे झरनों, झरने, ग्रीनरी, जंगल, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। ये ना ये पुराने किले और ये भीड़ भाड़ वाले बाजार पसंद नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको खूबसूरत चीज़ें दिखाऊँ। और अगर मैं
कोडई कनाल गया, ऊंची गया, तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स बने रहिए, फिलहाल मैं झांसी की तरफ जा रहा हूँ, गुड़गांव से। ग्वालियर से थोड़ा सा आगे चल के जो ये रोड पड़ता है, ऐसे मिक्स्ड है, कभी बड़ा अच्छा मिल जाता है खुला, कभी ऐसे खुला मिल जाता है, कभी ट्रैफिक मिल जाता है, ये ठीक है, पर गर्मी फुल है, पूरी गर्मी हो रखी है। इस पर टेम्परेचर मेरा शो कर रहा है 26 डिग्री, लेकिन ये मिक्स्ड मिलेगा। फ्लाईओवर भी बने हुए हैं, रोड भी खुले हैं, और काफ़ी लेफ्ट पे देखिए आप, अभी हम झांसी की तरफ जा रहे हैं, झांसी 70-80 किलोमीटर है यहाँ से। हर जगह बाईपास बने हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, आपको अंदर सिटी में नहीं घुसा रहा है, बाईपास कर देता है। ये बाईपास होना सबसे बढ़िया रहता है जब आप बाईपास हो जाते हो। आगरा से भी बाईपास था, मथुरा से भी, मैंने सब बाईपास होता चला गया, मैं किसी शहर में अब तक नहीं घुसा हूँ। सिर्फ मुरैना जगह ऐसी थी, पर मुरैना वाला भी रोड ठीक था, पर रात को सफ़र ना ही करें तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पे ऐसे उलट पुलट सही है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। लेकिन रोड फिलहाल ये है, हमें गुड़गांव से चले हुए हो चुके हैं 6.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, 387 किलोमीटर मैं ड्राइव करके आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं वो माइलेज है मैंने अभी लगा रखा है। और ये इस तरह की बसें चलती हैं यहाँ पे एमपी, मैं एमपी में पहली बार आया हूँ, ये हमारा चल रहा है नेविगेशन, ये मैंने गूगल बाबा को थैंक यू वेरी मच बोल दिया है। थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाएं, पड़ती है ये दतिया, और देख इतना सुंदर सा, पता नहीं किला है क्या है, सामने एक तालाब है और तालाब में नहाती हुई खूबसूरत स्मार्ट स्मार्ट भैंसें हैं, इधर गायें बैठी है, गायें पानी में जाती नहीं है ना बैल, पर भैंसें पानी में तैर रही हैं। सामने एक किला है बड़ा सुंदर सा, लग बड़ा सुंदर रहा है, उधर भी एक मंदिर भी है देखिए ऊँचा, बट ये काफ़ी अच्छा लगा, सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, रियली इट्स ब्यूटीफुल। तो आगे हम जा रहे हैं सागर की तरफ, और सागर कब पहुंचने, अगर टाइम पे पहुंच गए तो हम आगे मूव करेंगे, नहीं तो हम सागर रुकेंगे। भैया यहाँ मध्य प्रदेश में सड़क की हालत बेशक कैसी हो, पर टोल टैक्स ठोक ठोक के ले रहे हैं भाई, 120 रुपए का टोल टैक्स है ये, और कंडीशन ऐसी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तो इतनी महंगी गाड़ी लो उस पर टैक्स भरो, और फिर ये भैया तो अभी 120 रुपए टोल टैक्स है ये, 70 का दिया, 80 का दिया, और अभी फिर दे रहा हूँ। तो ये भैया शायद पैसे सारे खत्म ही हो जाए पेटीएम वॉलेट में, लेकिन ये हम घूमने आए हैं, पता नहीं क्या कि कपड़े जड़वाने हैं अपने। अभी तक रास्ता ऐसे ही ठीक था, ज़्यादा अच्छा था ज़्यादा बुरा था, अब आगे देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है, पर जगह अच्छी है देखिए आप लेफ्ट हैंड पे, अगर यहाँ सर्दियों में अगर आप आते हैं और अगर आप बरसातों में आते हैं तो यही चीज़ आपको बहुत सुंदर लगने वाली है। फाइनली फ्रेंड लिखा आ गया सागर, 200 किलोमीटर रह गया अभी, ललितपुर है, पता नहीं ललितपुर मुझे कहाँ पे है, 95 किलोमीटर है, बबीना 35 किलोमीटर है, जहाँ मुझे जाना नहीं है, तो सागर 200 किलोमीटर है, और अभी हम 450 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, यानी कि 650 किलोमीटर गुड़गांव से सागर पड़ता है। अब देखता हूँ कि मैं सागर कब तक पहुँचता हूँ, जहाँ तक हो सकेगा वहीं तक ड्राइव की जाएगी, रात में ड्राइव नहीं करेंगे। और फ्रेंड आप बोलोगे कौशिक जी आए एक शेर भी सुनाया, तो शेर सुनाता हूँ, वो कहते हैं कि खुश रहा करो, वो कहते हैं कि खुश रहा करो, हम कहते हैं कि कभी वजह भी दिया करो। तो जगह काफ़ी सुंदर आ गई है देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेफ्ट हैंड पे भी ग्रीनरी है, सामने भी ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है। अगर और निशान मुझे कह रहा था कि एसी चला दो, तो मैंने कहा बेटा एसी नहीं चलाएंगे, पूरा साउथ घुमाएंगे बिना एसी चलाए हुए तो ये तो मज़ा आएगा, हम साउथ में आए, एसी ऑन कर दिया तो मज़ा क्या आएगा। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, अभी आगे चलते हैं, सागर हम पहुँच जाएंगे 4 बजे तक, 5 बजे तक सागर पहुँच जाएंगे, फिर आगे देखते हैं। ये ऋषान लिमका खत्म करने चक्कर लगा हुआ है, गुड़गांव से ये ट्रक ऐसे स्टार्ट होते हैं, और अभी हम सागर पहुंच जाएंगे 100-150 किलोमीटर बाद, लेकिन ट्रक्स का हिसाब वही चलता है, पूरे इंडिया में वही चलता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर मैं अभी साउथ में अगर चला गया जहाँ मेरा प्लान है जाने का,
कन्याकुमारी तक, अगर वहाँ पर भी ट्रक का यही सिस्टम हुआ तो मैं समझ जाऊँगा कि ये ट्रक पूरे इंडिया में इसी तरह चलते हैं। तो इसका रिजल्ट देखने के लिए बने रहना लास्ट ब्लॉक तक मेरे साथ। और 500 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ लेकिन मुझे थकान वकान अभी लग नहीं रही, लेकिन जब तक रात नहीं होगी मैं गाड़ी ड्राइव करता रहूँगा। और सागर पहुँचते 5 या 6 बजे पहुँचेंगे, वहीं पर रेस्ट करेंगे और देखते हैं फिर आगे कहाँ मूव करते हैं। फ्रेंड्स सागर 115 किलोमीटर रह गया है और इस रूट पे टोल्स ही टोल्स हैं और काफी महंगे महंगे टोल्स हैं। अभी बताएं 5, 75, 120, 70, 80 बस टोल टैक्स आ जा रहे हैं भाई। मैं तो परेशान हो गया हूँ टोल टैक्स भर भर के। ऐसे मैडम खड़े हो जाती है माफिया की तरह। फ्रेंड्स मैं 500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, देखिए आप 539 किलोमीटर गाड़ी चली है। अगर मैं गुड़गांव से बात करूं तो कम से कम पता नहीं कितने टैक्स कटे हैं मेरे, 10 से 12 टोल टैक्स भर चुका हूं मैं। 10 से 12 टोल टैक्स का मतलब है 500 किलोमीटर में अगर 10 से 12 टोल टैक्स भर दूंगा तो हर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स भरने पड़ रहे हैं भाई। और ऐसा भी नहीं कि देखिए ये हाईवे है, यहाँ से कभी गाय आ रही है, उधर से बंदर आ रहा है, उधर से कुत्ता आ रहा है, लेकिन टोल टैक्स भैया ठोक के ले रहे हमसे। सागर से थोड़ा सा दूर है हम, लेकिन सागर के पास काफी अच्छा व्यू आता है। देखिए पूरी ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप भी देखिए मेरे साथ, अभी सागर यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास है। एक और फ्रेंड अब टोल टैक्स आ गया है, अब ये एमपी का टोल टैक्स है और अब हम आए हैं एमपी में और एमपी का हमें पे करना पड़ रहा है फ्रेंड टोल टैक्स। देखते हैं, रश नहीं है लेकिन कितने का टोल टैक्स है, मुझे उम्मीद है 100 रुपए से तो ऊपर का ही होगा। 105 है। मैडम बता रही है हमारी कि 105 है। मैडम कह रही हो गया जाइए, हमने आपसे चुंगी ले ली है भैया। टोल टैक्स पेटीएम देखना पड़ेगा, 1000 रुपए टॉप अप करके लाया था, कितना पैसा बचा हुआ है। और ये गई गाय मैया हमारा वेट कर रही है कि कौशिक जी आएंगे उनको हाय हेलो बोल के भी आगे जाऊंगी। ध्यान रखिए ये भैंसे हैं, वैसे तो गाय भी थी, कभी भी आपकी गाड़ी के सामने आ सकती है, इसलिए भी मुझे देर हो रही है गाड़ी चलाते हुए। मेरी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आ रही है 65 आ रही है। वो देखिए एक सामने और देखिए, वो भी गायें क्रॉस कर रही है। ये टोल टैक्स का हाल है, 105 रुपये मैंने पे कर दिए हैं और फिर भी मैं इन गायों से मुझे बच के चलाना है। 9 घंटे 12 मिनट मुझे ड्राइव करते हो गए हैं, 65 की एवरेज फिर भी ठीक है। और फ्रेंड थकान नहीं है, हो सकता है कि मैं अभी और आगे, क्योंकि मैंने 7:30 बजे तक मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ और जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने गई गौ माता आ रही हैं, एक जा रही है, एक इधर खड़ी है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। और सामने रॉन्ग साइड से आ रही है गाड़ी, लाइट देते हुए मेरे को कौशिक जी हट जाइए। और गाड़ी 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 एमपी है, नंबर ऐसा लिखा है कि आप पढ़ भी नहीं सकते, इसे कहते हैं वेलकम टू मध्य प्रदेश। फ्रेंड ये रोड देख के मुझे एक बात याद आती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हजारों मील लंबे रास्ते मुझको बुलाते, और एक जो मेरा पुराना व्लॉग देख चुका है मैं हमेशा बोलता हूँ कि गड्डी जंदी है चलांगा मार दी और मैनू याद आए मेरे यार दी। देखिए सही में गाड़ी जारी छलांगा मार दी जाइए, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को स्पीड कभी तेज नहीं करता हूँ, मैं ये 80-90 पे रखता हूँ चाहे ऐसा हाईवे भी क्यों ना हो। अभी सागर सिर्फ 25 किलोमीटर रह गया है लेकिन रास्ता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। आप भी देखिए ये फील्ड देखिए आप, कितनी अच्छी फार्मिंग की हुई है सामने। ये पता नहीं अरावली है क्या फॉरेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा नज़ारा। सागर लग रहा है कोई खूबसूरत जगह है और मज़ा आ रहा है। आप भी आएँ तो ये रास्ता ठीक है, ये पैची है, इसको रिपेयर किया गया है, टोल टैक्स लिया है, लेकिन ठीक है, चलो रास्ता ठीक है। आप जब भी कभी ग्वालियर झांसी के रास्ते से जाएंगे सागर तो ये ध्यान रखना, एरिया तो सुंदर है लेकिन यहाँ पे कोई खाने के रेस्टोरेंट या चाय वगैरह का इंतजाम नहीं है, रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं, या तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है
गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ किसी को यहाँ पे, यहाँ होटल्स नहीं है, चाय का इंतजाम नहीं, सिर्फ पेट्रोल पंप मिल जाता है एक दो, और रात को यहाँ मतलब कोशिश करें कि अवॉइड ही करें ड्राइव करना, पेट्रोल पंप तो मिल जाता है वो भी काफ़ी डिस्टेंस के बाद आया है, लेकिन होटल्स नहीं है चाय वगैरह खाना खाने के लिए। तो अपनी गाड़ी में आप पानी की बॉटल्स और खाने का इंतजाम रखें, स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हों। लेकिन वो सामने शहर दिख रहा है, रास्ता ठीक है, रास्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन के लिए रास्ता ये अच्छा है, दिन में ही चलाएंगे, बार बार गाड़ी का बार बार गाड़ी के आगे गायें भैंसे बंदर भी आ गए हैं, लंगूर भी आ गए हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें। दिन में तो ओके, रात को मैं एडवाइस नहीं दूंगा, अगर आप मेरी तरह से ही ड्राइव करते हैं विद फैमिली, चार पांच यार दोस्त है तो आप कर सकते हैं। सागर 4 बजे पहुंच गए थे, लेकिन अभी घड़ी में 4 बजे, तो हमें लगा कि चलो 3 घंटे और ड्राइव कर लेते हैं। ये रास्ते में सागर से आगे एक होटल पड़ा था मिडवे ट्रीट, यहाँ हम चाय पी रहे बैठे हुए, वो ऋशान आइसक्रीम खा रहा बैठा हुआ, और चाय पियेंगे, ड्राइवर थोड़ा सा होश में आएगा और 3-4 घंटे गाड़ी और चलाएगा। भाई साहब लूट पूरी है, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कौन सा टोल टैक्स है, मैं तो गिनने ही बंद कर दिए, और वो शो कर रहा था कि मेरा बैलेंस जो है मैंने अभी ऐड करना पड़ेगा दोबारा, 1000 रुपये करा के लाया था, अब शायद देखना पड़ेगा चलेगा कि चलेगा। भैया फिर टोल टैक्स आ गया है, और महंगे महंगे टोल टैक्स है, 100-100 रुपये वाले, 1000 रुपये ख़त्म भाई, ये भैया देख लो, और 1000 रुपये का टोल टैक्स ख़त्म, पहले के पैसे पड़े थे वो भी गए, बैलेंस हो गया जीरो, अब दोबारा गया तो किसी इतना मैं इतनी चोर बजाई तो मैंने कहीं नहीं देखी भैया। और भैया बता रहा हूँ तेरे को, आपको मैं बता रहा हूँ, ये किसी ऐसे बात कर रहे गुंडों से कम नहीं है किसी, जैसे गुंडागर्दी होती ना, खैर मुझे ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी इतनी मतलब यार टोल टैक्स ये रोड है देख लीजिए, यूपी एमपी में ज्यादा है टोल, अब इतनी चोर बजाई तो मैंने पहली बार देखी है अभी, ये ऐसे स्पीड लिमिट भी लिखी गई पे, हम अपना चला रहे 70-80 की स्पीड पे, और भाई इतनी चोर बजा रही, मतलब 688 किलोमीटर पे मैं 1100 रुपये बता दूंगा, 1100 के आसपास मैं टोल टैक्स भर चुका हूँ। कहाँ से निकला हूँ, गुड़गांव से अभी तो मैं सागर क्रॉस किया मैंने, लेकिन जगह खूबसूरत है, अभी हम नरसिंहपुर की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं अगर नरसिंहपुर में कोई होटल मिलेगा तो वहाँ स्टे करेंगे, नहीं थोड़ा सा आगे पीछे देखने के स्टे करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी खूबसूरत जगह पूरी लग रही है, अब नरसिंहपुर की तरफ जा रहे हैं। नरसिंहपुर जहाँ तक मैं कह रहा हूँ सोयाबीन की खेती के लिए फेमस है काफ़ी, 80% इंडिया में जो सोयाबीन है वो नरसिंहपुर के आसपास होता है, हम जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है फ्रेंड, मुझे एमपी में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ये लग बड़ा सुंदर रहा है, रास्ता ठीक है, सुंदर लग रहा है बड़ा, दिन में रात की गारंटी नहीं है भाई। वैसे एक और टोल टैक्स आ गया, वन मोर टोल टैक्स, हर 50-25 किलोमीटर में वैसे 100-100 रुपये का टोल टैक्स है, कोई 5-10 रुपये टोल टैक्स नहीं है, 100 रुपीज से कम, डीजल 94 रुपीज, राजस्थान और एमपी मुझे लग रहा 10,000 रुपये टोल टैक्स है। फाइनली हमने चेक इन कर लिया होटल में, नरसिंहपुर में हम भी, हम अच्छा होटल मिल गया फ्रेंड हमें, देखिए काफ़ी डिसेंट है, वो हमारे लखते जिगर, ये हम सामान ले आए हैं, टीवी भी है, ये देखिए हमारे लखते जिगर अभी आए हैं हम, और काफ़ी अच्छा है ठीक है। अब हम कल निकलेंगे सुबह, यहाँ से हम निकलेंगे हैदराबाद पे निकलेंगे, लेकिन जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, जैसे रात होती है हम गाड़ी स्टॉप कर देते हैं। आज नरसिंहपुर में पहुँचे, 800 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव किया मैंने नॉन स्टॉप, अभी 2-3 घंटे में गाड़ी वो ड्राइव कर सकता था, लेकिन मैं आपको वॉशरूम में दिखाता हूँ फ्रेंड, आप बोलो यार एग्जाम क्या वॉशरूम, ऋशान के एग्जाम है, ये स्टडी कर रहा है, काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, ये नल खुला रह गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी ठीक है अच्छा है, रात गुजारेंगे यहाँ पे, और रात गुजारने के बाद हम जाएंगे सीधा, कल फिर सुबह चलाते हैं गाड़ी 800-900 किलोमीटर, टारगेट तो रहेगा कि हम सीधे कहाँ पहुँचे, नागपुर स्टे ना करके हम सीधे पहुंचे हैदराबाद। और ये होटल भी मैडम ने गाड़ी में साइड में बैठ के ऑनलाइन ढूंढा है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मुझे इन्होंने करा दिया मैडम ने, क्योंकि ये मैं ड्राइव कर रहा था, मैडम होटल अरेंजमेंट करती है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऋशान।
ये कैसे पता चलेगा कि क्वांटिटी कम है ज़्यादा है? आपको मालूम पड़ जाता है भाई, हमारी मैडम की खासियत है वो पता कर लेती है।